खबर सीकर के दातारामगढ़ से है, जहां प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता धाम का नवरात्रि लक्की मेला 2 अप्रैल से आयोजित होगा। 9 दिनों तक आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारियों को लेकर उपखंड प्रशासन और मंदिर कमेटी अंतिम रूप देने में लगी है। रविवार को एसडीएम राजेश मीणा ने विभिन्न अधिकारियों के साथ जीण धाम में मेले की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसी दौरान एसडीएम राजेश मीणा ने संबंधित अधिकारियों से मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम मीणा ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसी को लेकर सभी प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। साथ ही मेले के दौरान पेयजल, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। आप सभी को विदित है कि नवरात्र प्रारंभ होने और नवरात्र प्रारंभ होने के उपरांत जीण माता में मेला आयोजित होता है और जीण माता की वैसे प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्थाएं की जाती है वो व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी गई है और इसी क्रम में आज जीण माता में विभागीय अधिकारी के साथ में उपस्थित होकर और मेला जो मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी है उनके साथ उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं या मंदिर कमेटी के माध्यम से जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सभी की समीक्षा की गई है और मुख्य रूप से मेले के अंदर हमारी जो मुख्य प्रशासनिक व्यवस्थाएँ होती है कानून व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाएँ होगी, यातायात संबंधी पेयजल और ट्रैफिक प्लान और इसके अलावा जो श्रद्धालु वगैरह आते हैं उनकी सुविधाओं का के हिसाब से जो जो प्लान कार्य योजना बनाई जाती है उसके ऊपर विस्तार से काफ़ी चर्चा की गई है और इसी क्रम के अंदर कल दिनांक को सभी विभागीय अधिकारी जिसमें जिला स्तर के कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी शामिल होंगे और मंदिर के पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे, उनके साथ में एक समीक्षा मीटिंग भी एक आयोजित की गई।